सिर्फ सीटी बजाने से काम नहीं चलेगा, डीजे का जोरदार म्यूजिक होगा और मैं कोट झटक के एग्जिट लूंगा। रास्ते से हट जा वरना उड़ जाएगा। उल्लू है तू, समझता नहीं है। चाकू तरबूज पर गिरे या तरबूज चाकू पर, दोनों में कटना तरबूज को ही पड़ता है। फिल्म में कई सारे डायलॉग्स हैं जो मेरे फेवरेट। एक्चुअली अल्लू अर्जुन जब एक्टिंग करते हैं, और मुझे ऐसा बहुत लगता है, और मैंने बहुत लोगों से इस बारे में बात भी की थी, कि मुझे ऐसा बहुत लगा कि इस फिल्म में उन्होंने पर्सनली खुद बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि कई सारे ऐसे सीन्स हैं जहाँ वो एक बहुत ही अलग लेवल ट्रांसेंड कर जाते हैं। मेरा सबसे फेवरेट सीन इस फिल्म में एक कॉन्फ्रेंस रूम सीन है, जहाँ वो बैक टू बैक गाने वगैरह प्ले करते हैं और यू नो पूरी मीटिंग का माहौल चेंज कर देते हैं जैसे उनकी एंट्री से लेकर एग्जिट तक। और वो 3 मिनट का शायद कोई सीन होगा, बट आई थिंक एक तो आई थिंक इट्स वन ऑफ अल्लूज बेस्ट सीन्स जो मुझे लगता है पर्सनली मेरे लिए। और मैं वो सीन कई बार देख चुका हूँ, और रिलीज़ से पहले ही मैं जब वो फिल्म OTT पर अवेलेबल थी तब वही सीन बार बार देखा करता था कि कितनी यू नो वो डांस लाना, वो स्टाइल लाना, वो यू नो छोटी छोटी हरकतें करना जिससे यू नो कोई या तो इरिटेट हो या यू नो आप किसी को मना रहे हैं, तो वो जो एक्सप्रेशंस वगैरह हैं, माइक्रो एक्सप्रेशंस हैं, वो उन्होंने उस सीन में इतने बखूबी से ज़्यादा इतनी खूबसूरती से निभाए हैं कि मुझे बहुत बार लगता है कि वो सीन उन्होंने पर्सनली बहुत इन्जॉय किया होगा, और इसलिए वो सीन मेरा फेवरेट रहा है। और उस फिल्म के कई डायलॉग्स जब ट्रेलर भी आया था, खैर तो तब बहुत लोगों ने एक दो जो डायलॉग्स प्ले हुए थे तब से लेकर यू नो उनके डायलॉग्स कई लोगों ने मैसेज वगैरह किए हैं कि हमें बहुत पसंद आए। खासतौर पर उसी कॉन्फ्रेंस रूम की अगर हम बात करें तो वहाँ से जो एग्ज़िट है तब वो कहते हैं कि सिर्फ सीटी बजाने से काम नहीं चलेगा, डीजे का म्यूज़िक होगा और मैं कोट झटक के एंट्री सॉरी सिर्फ सीटी बजाने से काम नहीं चलेगा, डीजे का ज़ोरदार म्यूज़िक होगा और मैं कोट झटक के एग्ज़िट लूँगा। रास्ते से हट जा वरना उड़ जाएगा। सो ब्यूटिफुली डन, और यू नो उनकी वो स्टाइल एंड तक, इट्स अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर फ्रॉम हिज प्रीवियस फिल्म। अब ऑफकोर्स ये 2 साल पहले आ चुकी फिल्म है, तो ऐसा कहना पड़ेगा कि ये फिल्म और इसके बाद का जो उन्होंने कैरेक्टर किया पुष्पा में वो बिल्कुल हटके था, और इसीलिए वो एक यू नो इतने बढ़िया एक्टर हैं, और यू नो उनके लिए आवाज़ देना भी इसीलिए मज़ा आता है क्योंकि जब वो कैरेक्टर में घुस जाते हैं तो यू नो इज़ ब्रिलियंट। और इस फिल्म में खास तौर पर एक और बात जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, कई बार उन्होंने सामने वाला जो कैरेक्टर है उसके मैनरिज्म्स पकड़ के उन्हें इमिटेट करने की कोशिश की, और ऐसा कई हिस्सों में किया उन्होंने इस फिल्म में, और वो भी करने में बहुत मज़ा आया था। रही बात आला वैकुंठपुरम लोग की, तो उसमें ऐसा था कि सीन्स इसलिए दोबारा नहीं किए कि कहीं ब्रेक हो रहा है या यू नो कहीं मुश्किल लग रहा है, सीन्स इसलिए दोबारा किए क्योंकि अरे इसमें बहुत मज़ा है, एक और करके देखते हैं, यू नो या तो इससे बेटर करके देखते हैं, या तो यू नो लाइन कुछ ऐसी करके देखते हैं, या यू नो जो मज़ा मुझे आई थिंक किस कुछ हद तक डेडपूल में आया था कि जहाँ इम्प्रोवाइजेशंस करके देखते हैं, क्योंकि अल्लू अर्जुन के एक्सप्रेशंस इतने कमाल के थे और उन्होंने ओरिजिनली इतनी अच्छी एक्टिंग की है उसमें कि कुछ मैं वॉइस करता तो मैं खुद ही सेटिस्फाई नहीं होता कि अरे एक और हम लोग करके देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे कुछ बेटर बन सकता है, एंड यू नो इसीलिए वो फिल्म भी इतनी स्पेशल है। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है ये दोनों फिल्मों के बीच का, और यू नो दोज़ आर द चैलेंजेस। वेल बीइंग अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, कितनी बार ऐसा हुआ है कि यू नो आर्टिस्ट ने खुद कॉल करके या मैसेज करके आपकी तारीफ की हो कि यू नो आपने बहुत ही अच्छा वॉइस दिया? ऐसा बहुत कम होता है एक्चुअली। जैसा कि हम आई थिंक इन इंटरव्यूज में बात करते रहते हैं कि अभी अभी कहीं जाकर वॉइस आर्टिस्ट को रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुई है, और जनरली ये ट्रेंड अभी बना नहीं है कि कोई एक्टर किसी वॉइस आर्टिस्ट को कॉल करके, हालांकि ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो यू नो जो जानते हैं कि किन वॉइस आर्टिस्ट ने उनका काम किया है और वो बहुत सराहते हैं उन्हें। आई थिंक देर हैव बीन इंस्टेंसेस जहां एक्टर्स ने उन्हें इनफैक्ट मिलने के लिए बुलाया वगैरह भी है। मैंने कुछ नेटफ्लिक्स वगैरह के प्रोजेक्ट्स किए हैं और कुछ HBO के लिए सीरीज़ एनिमेट डब की हैं। एक बार मैंने बेन 10 के लिए जो ओरिजिनल आवाज़ देते हैं यूरी लोवेंथॉल, उनसे बात की थी। तो ऐसे कुछ यू नो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं जिनके मैसेजेस आए हैं या जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, और यू नो जिन्हें जानकर खुशी होती है कि यू नो वो भी एक वॉइस आर्टिस्ट हैं अमेरिका में जो जापनीज़ कॉन्टेंट करते हैं और फिर उनकी आवाज़ से मैं हिंदी कॉन्टेंट करता हूँ, तो यू नो वो एक क्लिप कहीं मेरी सोशल मीडिया पर है। और तो ऐसा होता है, बट इतनी आम बात नहीं है जितना लोगों को लगता है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि यू नो क्या आप इन एक्टर्स से मिलते वगैरह हैं, तो ऐसा तो हुआ नहीं है अब तक। बट अगर मिलने का मौका मिले तो मैं ज़रूर उनसे यू नो ये पूछना चाहूँगा कि उन्हें उनकी आवाज़ हिंदी में कैसी लगती है जो मैं देता हूँ।